अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम उसे कैसे डेट करते? कैसे डेट करता? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये चीजें नहीं रखी। क्यों? हम पठान हैं, हम जेड रेक शादी करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं रखते। नहीं, मैं नहीं मानता। गर्लफ्रेंड नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है? नहीं। इतने खूबसूरत होने के बाद भी नहीं है? नहीं, अभी दिल नहीं ना करता बनाने का। खोल के दसो ना, शर्मा के हो रहे हो। लड़का हमेशा प्ले बॉय बनता ही तब है जब लड़की धोखा देती है। पहले लड़की धोखा देती है, फिर बाद में लड़का ऐसा बनता है कि वो 10-12 को धोखा दे के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर सलीम आईजी न्यूज़ एचडी के साथ। आज का जो मेरा सवाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आज का हमारा होने वाला है। वो ये कि हम लोगों से पूछेंगे कि जब एक लड़का एक लड़की को डेट करता है तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं और वो क्या करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए हम आपकी जबान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सोनू अली जट। हसनैन जमील। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये चीजें नहीं रखी। क्यों? हम पठान हैं, हम जेड रेक शादी करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं रखते। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, लड़की वाले चक्कर में कैरियर बनाना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो ज्यादा श्रीमंत वाले लोग होते हैं ना, वही उन्हीं की ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पता है? वो तो मुझे पता है, लेकिन वो करियर बना के अगर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। गर्लफ्रेंड नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है? इतने खूबसूरत होने के बाद भी नहीं है? नहीं, अभी दिल नहीं ना करता बनाने का। क्यों? सारे दगाबाज धोखेबाज लोग हैं। जब मुझे बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम उसे कैसे डेट करते? कैसे डेट करता? और तुम क्या देख रहे हो उससे पूछ रहे हो? मतलब वो खाने पे लेके जाता ना, खाना वगैरह खिलाता, उसको जानता, उसके बारे में समझता, उसको यही सब होता है डेट में। घुमाते फिराते? हाँ, घुमाते फिराते। इसके अलावा घूमने फिरने वाले वो समटाइम्स जब स्टार्टिंग में था नर्वसनेस होती थी, और उसके बाद से तो फिर हम, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स में ही हैं तो आना जाना लगा रहता। तो उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी जब स्टार्टअप था? स्टार्टअप पे तो यही था कि यार बस। मुझे आपका दोस्त बता रहा है, इसने अपने हाथ पे उसका नाम भी लिखवाया। जी लिखा। अच्छा, ये सही से नहीं नजर आ रहा। ये तो मुझे नहीं सही से नजर आ रहा। काफी देर हो गई है, दोबारा से लिखो। मेहंदी से भी लिखवाया है? मेहंदी से लिखवाया था, अब वो ईद पे लिखवाया था। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत कौन किसी से करता है? जी बस करने वाले करते हैं। भाभी ज्यादा प्यारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे भी ज्यादा? जी। अच्छा वाह। डेट मतलब? मतलब डेट क्या होता है यार, तुम्हें डेट का नहीं पता? खोल के दसो ना, शर्मा के हो रहे हो। नहीं, मैं नहीं शर्मा रही। डेट का मतलब ये होता है कि उसको कहीं लेके घूमने फिरने वाला चक्कर, और खाने चाने, और ये वो नटरम पटरम। वो उसकी मर्जी है, वो जो बोलेगी वैसे करेंगे। अच्छा, वो जो तुम्हें बोलती वो तुम कर लेते? हाँ, कर देता उसको। अगर मुझे अच्छा लगता तो मैं कर लेता। अच्छा, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो फिर अगर वो तुम्हें बोलती जैसे वो वैसे ही तुम करते? हाँ जरूर। अच्छा, थोड़ी करना। अभी तुम्हारी शादी हो गई या कि नहीं? शादी हुई है, एक और करने इरादा पूरा, बस दुआ करे वो मान ले। नाले कहना है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो नाले कहना है वो मान लिया। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड माना ही नहीं है ना। गर्लफ्रेंड वो होती है जिसको बंदा दोस्त बनाए, वो गर्लफ्रेंड है। मैंने उसको भी आज तक माना ही नहीं। तो क्या मानते उसको? उसको दूसरी बीवी। अच्छा अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि कभी उससे कुट भी पड़ी हो? बीवियों से बंदा मार खा रहे थे? नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं है। जब उनको खुश रखो फिर कुट नहीं पड़ती। कुट तब पड़ती है जब आप उसको तंग करो, ठीक है, आप खुश ना रखो फिर कुट पड़ती है। तो क्या पैगाम देना चाहोगे जो नए नए लवर आए हैं पाकिस्तान में? लवर को यही है कि ध्यान से लव करें, ठीक है। अक्सर लड़की बेवफा भी होती है। हाँ, अगर लड़की आपको धोखा दे दे, नशे नहीं करने आपने, ठीक है। ड्रग निकाह करना, अगर वो स्टार्टिंग में अगर वो आपसे मोहब्बत करती है तो ड्रग उसको बोला फिर शादी करनी है, ठीक है, बात खत्म। तो टैलेंट शैलेंट है? टैलेंट है, स्टडी में अच्छा इंशाल्लाह। सही की स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी वगैरह के मामले में बुरा नहीं। वैसे प्ले बॉय भी, स्पोर्ट में भी अच्छा हूँ। जी सही है, मैंने सोचा शायद शायरी वारी को गाना शाना आता होगा। शायरी वगैरह तो आती है, तो शेर सुना दो। हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अदियत समझा, हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वाह क्या बात है, बड़े विचार है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। क्या बात है, बट जब समटाइम्स गुस्सा करती है तो फिर आपको पता है लेडीज का गुस्सा कैसा होता है। कैसा होता है? वो मारती है? नहीं मारती तो नहीं है, बट गले नहीं गाती।
ये सब सब लड़कियों से ये क्वालिटी होती है कि अगर प्यार करती है तो वो भी हद से ज्यादा गुस्सा करती है, वो भी हद से ज्यादा। तो कैसा गुस्सा वो करती है? बात नहीं करेंगी, खाना नहीं खाएंगी, रूड होके बैठ जाएंगी, और जब तक उनको कोई गिफ्ट या चॉकलेट्स या फ्लावर्स ना दो तो वो तब तक मानेंगे नहीं। ये शादी के बाद वाली ये चीजें खत्म हो जाती है ना, क्या ख्याल है? नहीं, अगर आप निभाने वाले हो तो आपका लॉन्ग टाइम तक ये सब चलता रहता है। अगर आप एक अपने पार्टनर से बोर हो रहे हो या समटाइम्स होता है कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं, तो आप एक दूसरे को, अगर रिश्ता ये नहीं कि एक तरफ से निभाया जाता है, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, और अगर विल पावर दोनों तरफ से सेम होना तो फिर दोनों आप जो है ना, समटाइम्स आप गुस्से में होते हो, समटाइम्स जो आपका पार्टनर होता है वो गुस्से में होता है, तो इंसान को चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ होता है? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे मुताबिक तो यही सब होता है। मुझे क्या पता, मैं तो वैसे आपसे पूछ रही हूँ ना कि क्या होना चाहिए। हाँ, ऐसे खिलाओ पिलाओ, घुमाओ फिराओ, एक दूसरे को जानो, बातचीत करो, समझो एक दूसरे को। तो अगर समझ आ जाए एक दूसरे की तो फिर उसके बाद उसके घर वालों से बात करो, जो कि वो नहीं करेगी। हमेशा ऐसे ही होता है, लड़के का हमेशा से कटता ही आया तो कटेगा। तो लड़कियां, अच्छा अमूमन जरूरी तो नहीं होता कि लड़कियां धोखा देती हैं, बाजू का लड़के भी तो धोखा देते हैं। लड़का हमेशा प्ले बॉय बनता ही तब है जब लड़की धोखा देती है। पहले लड़की धोखा देती है, फिर बाद में लड़का ऐसा बनता है कि वो 10-12 को धोखा दे के फिर उनको सियाना कर देता है। धोखे के बगैर मतलब एक लड़की का बदला जो है ना, वो आप लोग 10-12 लड़कियों से लेते हैं? बदला नहीं लेते, इसको कहते हैं एजुकेट करना अगले बंदे को। हम लड़कियां पकड़ते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, फिर आगे उनको आगे चलने के लिए आसानी होती है, समझने के दूसरे लड़कों को आसानी हो जाती है। वो फिर भला क्या करती है, वो फिर तुम जैसे 10-12 ढूंढती है फिर उनको धोखा देती है? नहीं, धोखा नहीं देती, 10-12 को वो रखती है, क्योंकि दरअसल मसला ये है कि महीने का खर्चा भी निकालना होता है, कोई एक आध तो पूरा नहीं कर सकता, तो वो फिर 10-12 को रखती है, फिर वहां से खर्चा पूरा होता है। अच्छी सोच है आपकी। उसके अलावा कोई टैलेंट शैलेंट है तो वो मुझे बताएं। टैलेंट थोड़ा बहुत गा लेते हैं बस। तो सुना दो कुछ। क्या सुनेंगे आप? गाना। अच्छा, गाना सुनेंगे। झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो, मेरी नहीं दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो, साथ तुम्हारी और रहूं मैं, मेरा तो मन था, सच है यहाँ पे जो भी बुरा था मेरे कारण था, बन विदा करो, बन विदा करो जी, अब विदा करो मेरे। के हमने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन आंखों से कितना देखा जा सकता था। क्या बात है, इन आंखों से नवी लगवाना है। नहीं, नहीं लगवानी है, यही आंखें हैं और यही आंखें। इन आंखों से और कितना देखा जा सकता था, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि इन आंखों से एक ही महबूब को देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं इन माय ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ। वो डर रही होता है बेचारे को, अगर प्रपोज कर दे, ये ना हो, इकरार उसका ना जिंदगी बदल देता है या इनकार जिंदगी बदल देता है। उसको बताएगा शायद का यही डर होता होगा, अगर मैं बता दूँ शायद वो इनकार कर दे या इकरार कर दे, दोनों ही सवाल उसकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर वो सवाल जवाब उनके मिल गए, अगर वो दोनों मिल गए तो क्या होगा, मतलब शादी होगी एट द एंड इंशाल्लाह। तो जिनके ब्रेकअप होते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? ब्रेकअप होते हैं वो फिर अल्लाह के पास जाते हैं इंशाल्लाह। जिनके 4-4 साल रिलेशन रहते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकअप होते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो जान और लड़का फिर धोखा देता है, वो लड़की देती है, जाती करते हैं दूसरे के साथ। तो क्या कहना चाहोगे आप लोगों को जो एक दूसरे को लोग डेट कर रहे हैं? यही है कि अगर आप रिलेशनशिप में है तो उसे आप किसी मंजिल तक पहुँचाएं या ना करें। अगर वो कोई लड़की अगर आप पे भरोसा करके आपको अपनी पिक्स वगैरह सेंड कर रही है तो आप उसको एक मीर तक ले के जाएं, रास्ते में ना छोड़ें, ये बहुत बुरी बात है। तो टैलेंट शैलेंट है? टैलेंट है, स्टडी में अच्छा हूँ इंशाल्लाह, सही की स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी वगैरह के मामले में बुरा नहीं, वैसे प्ले बॉय भी हूँ, स्पोर्ट में भी अच्छा हूँ जी। सही है, मैंने सोचा शायद शायरी वायरी को गाना शाना आता होगा। शायरी वगैरह तो आती है, शेर सुना दो। हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अदियत समझा, हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते,
ये मोहब्बत और सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वाह क्या बात है, बड़े विचार हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। नाज़रीन जैसे कि आपने लोगों के जवाब सुने और बहुत मजे मजे के हमें जवाब मिले, आपकी क्या राय है इस चीज को लेके कि जब एक लड़का लड़की को डेट करता है तो क्या फीलिंग्स होती है उसकी, आप अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।